जब हम रेज्यूमे कहीं भेजते हैं तो उसके साथ एक ऑप्शन होती है कि आप कवर लेटर भी भेजें और ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वी शुड ऑलवेज़ टेक दैट ऑप्शन अगर आप इवन ऑनलाइन अप्लाई करें जैसे ब्राइट स्पायर के ऊपर या रोज़ी डॉट पीके के ऊपर करें तो उनके पास भी ये होता है कि आप इधर रेज्यूमे सबमिट करें इधर कवर लेटर करें डोंट स्किप इट ये ना सोचें कि रेज्यूमे में लिखा तो है सब कुछ अब कवर लेटर में लिखने की क्या जरूरत है नहीं वो इम्पॉर्टेंट है और वो उसमें डिफरेंट तरह से आपकी पर्सनैलिटी और आपके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ शो कर सकती हैं बन एक रेज्यूम है कि जिसमें कि बुलेटेड और जरा सी ब्रीफ़ इंफॉर्मेशन होती है और इसीलिए जैसे इंटरव्यू में एक और तरह आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैव डिफरेंट फंक्शन और इसमें से किसी को आपको स्किप नहीं करना चाहिए इन सब को आपको सीरियसली लेना चाहिए कवर लेटर लिखने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए ज़ाहिर है आप अपना तारुफ़ कराएँ और अपने रेज्यूमे का हवाला दें कि मैंने रेज्यूमे भी इसके साथ अटैचड है और इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है वो आप थोड़ा सा बताएंगे और ये जो है उसको इजाफी मालूम दे रहे सब सप्लीमेंट कर रहे हैं रेज्यूमे को उसको रिपीट नहीं कर रहा तो वो वाली चीज़ें आपने दोबारा से नहीं कहनी इसमें कुछ ऐसा आपने करना है कि ताकि एम्प्लॉयर ये सोचे कि चलो इसको मिलते तो हैं इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं एंड देन वी कैन डिसाइड सो ये दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो आपने एम्प्लॉयर को पुश करना है थ्रू द कवर लेटर और उसमें जो भी आपकी रेलिवेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं क्योंकि ये नैरेटिव है इसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं है फैक्ट्स उस तरह से फैक्ट बेस्ड है लेकिन नैरेटिव है थोड़ी सी इसमें कहानी की गुंजाइश है तो इसलिए इसमें आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ज़्यादा शो कर सकते हैं बट ओनली द रेलिवेंट फॉर द पोजिशन और उसमें आप ये भी शो करें कि आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और बताएं कि जी आपकी ये नीड्स हैं और मेरे अंदर ये स्किल हैं एट्सट्रा उसके अलावा लाइक आई सेड कि रजीमे वाली चीज़ों को आपने रिपीट नहीं करना और जो चीज़ नहीं है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसमें उन्होंने कहा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट uh, एक्सेल uh, की भी कोई कुछ एक वन ऑफ द मेनी स्किल्स इज़ दैट एज़ वेल तो डोंट से कि मेरे पास है स्किल बट डोंट से कि मेरे पास नहीं है आए इधर अ प्लान टू लर्न इट मेक अ प्लान कि मैं कैसे इसको गैप को फिल करूँगा या करूँगी लेकिन ये कि उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है आपने झूठ भी नहीं बोलना लेकिन ख़ाम ख़वा अपनी बुराइयाँ भी हाईलाइट कर करके बताना इज नॉट अ स्मार्ट मूव पॉइंट टू योर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ दे मेक यू अ गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी करेंगे तो ही आप ये बता सकते हैं मैंशन वॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्ट यू इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पोजिशन डोंट जस्ट मेक इट लुक लाइक कि आप काम ही ढूंढ रहे हैं तो कोई भी काम मिल जाए तो आप करने को तैयार हैं मेक इट लुक लाइक कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको आपने इसको स्टडी किया है और इस काम में आपको इंटरेस्ट है नौकरी सिर्फ लेने में इंटरेस्ट नहीं है और अपना एक पर्सनल नैरेटिव की भी गुंजाइश होती है उसमें तो आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं जैसे आप ये कह सकते हैं आई स्ट्राइव ऑन चैलेंजेस वेदर इट्स ट्रबल शूटिंग टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन वर्क और पैराग्लाइडिंग ऑन अ वेकेशन तो इसमें आपने ये भी बता दिया कि आपको घूमने फिरने का और पैराग्लाइडिंग का और रिस्क टेकिंग का शौक़ है और ये कि आप चैलेंजेस को लेना पसंद करते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी की झलक है इससे उसके दिमाग में एक इमेज बनी आपकी सो दैट इज़ वन थिंग हर चीज़ जो भी आप लिखेंगे किसी को दिखाने के लिए स्पेलिंग्स और ग्रामर के एरियर्स आपने देखने ही हैं uh, छोटे छोटे पैराज़ बनाइए लंबे लंबे नहीं तीन चार पैराज शुड बी इनफ बहुत है तो पांच और ये इसको आपने जगह पुर करने के लिए रिपीट ना करें अगर आपके तीन पैरस नहीं बन रहे तो दो ही बना लें लेकिन ये कि पांच नहीं बन रहे तो चार ही बना लें बट डोंट रिपीट थिंग्स ट्राई टू कम अप न्यू थिंग्स और जॉब टाइटल आपने बता दिया अपना नाम बता दिया इसके अलावा इसके और आपको टेम्पलेट्स जो हैं ए यू हटसन डॉट कॉम के ऊपर आप देख सकते हैं कि कवर लेटर्स कैसे लिखे जा सकते हैं एक जो कॉमनली एक गलती की जाती है किसी भी रेज्यूमे के बनाने में कवर लेटर के तैयार करने में वो हम सब करते हैं और लेकिन ये कि इट्स समथिंग वेरी इजीली अवॉइडेबल कि अगर कल डेडलाइन है तो हम आज रात को बैठेंगे उसको लेके वो उस वक्त जो है द माइंड फंक्शंस डिफरेंटली उस वक्त आपके पास ये फ़ुर्सत या ये मेंटल स्पेस नहीं होती कि आप सोचें कि अच्छा मैं और कोई अच्छा सा फॉर्मेट देखूँ मैं कोई अच्छे ऑप्शन देखूँ मैं अपना पर्सनल नरेटिव इसमें कैसे ऐड करूँ तो कोशिश करें कि डेडलाइन से पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करें जैसे आपने अगर चार दिन पहले शुरू किया है उसका एक ड्राफ्ट बनाया है अगले दिन आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता रहेगा एंड देन इट विल कम अप विथ न्यू थिंग्स टू एड टू इट बनस्बत इसके कि आप आखिरी दिन करें और उसको सबमिट कर दें देन यू डोंट हैव टाइम टू एड मोर थिंग्स टू इट जिस वक्त कि आपका दिमाग उसमें इंगेज होगा लेकिन आपको बाद में ख़्याल आएगा ओ ये भी लिख सकता था ये भी ऐड कर सकती थी सो इट्स इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल आखिरी रात पे ना करें अलाट ऑफ टाइम्स पीपल शो ऑफ अबाउट दैट कि वो मैंने तो बस आखिरी दिन मैंने तो दो घंटे में करके भेज दिया इसमें कोई शान की बात नहीं है जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती हैं उनको आपको सीरियसली लेना चाहिए और उस पर टाइम लगा के करना चाहिए दर इज़ नो प्राइड इन डूइंग इट इन अ स्लिप शॉर्ट मैनर उल्टा सीधा जल्दी जल्दी करने में कोई प्राइड की ज़्यादा बात नहीं है एक ये एक सैम्पल हमने रखा हुआ है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ये एक uh, शख्स हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा है किसी को लिंकड के ऊपर कोई ये जो हेड हंटर्स होते हैं जो जॉब सीकरस को एम्प्लॉयर से कनेक्ट करते हैं उनको इन्होंने ये ईमेल लिखी है और इसमें उनको कहा है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ इस तरह के कामों में आपके पास जो हैं लोग जो एम्प्लॉयर्स हैं वो किस तरह की जॉब्स हैं और आप मुझे उनसे कनेक्ट कर दें इसमें एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बताएं और इन्होंने बताया है कि आई एम एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर एंड ट्रबल शूटर एबल टू नेविगेट द कॉरपोरेट इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स डिमांड्स तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट आप अपना बता सकते हैं इस तरह उन्होंने एक अचीवमेंट इसके ऊपर बताई है जो ये यू एस डॉलर्स में अमाउंट लिखी हुई है तो कि इतने मैंने पैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेव करने में मदद दी सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ हाईलाइट अपने कवर लेटर के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट आप बताएं और अपनी कोई अचीवमेंट है जो आपने ख़ास काम किया वो आप बता सकते हैं अगेन डोंट मेक थिंग्स आप वॉट एवर इज़ ट्रू प्रजेंटेड और जितना सच है उतना ही सच बताएं जो चीज़ आपने इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम दैट केम अप विद एन इनोवेशन say that i was a part of a team that came up with this innovation don't make it look like you did it alone so ye kuch points and we hope you uh, enjoy exploring the options that cover letters give to you to present yourself in the best light